सर मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आज हमारा देश आप कह रहे हैं कि नशे की ओर अग्रसर हो रहा है जो कि हमारे देश के लिए हानिकारक है। आप बता रहे थे कि हमारा पड़ा पहला कर्म यही है कि हम अपनी माँ के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप नशा कर रहे तो आप कुछ नहीं दे सकते अपने देश को या अपने समाज को, कुछ बता नहीं सकते। सर ऐसे मेरे कितने लोग भी देख रहे हैं कि जिनके घर में कंडीशन बहुत ही खराब है, उनके फादर उनके मदर ड्रिंक करते हैं। मदर तो नहीं कह सकता मैं यहाँ, लेकिन बाहर देखा जाते हैं ऐसे पहाड़ों में ये चीज नहीं है, लेकिन बाहर अभी भी देखा जाता है। ये बहनें जो मुस्कुरा रही है ना, मैं ऐसे 50 बहनों की हजारों बहनों की एग्जाम्पल दे सकते हूँ जो देहरादून में आके बीटेक के नाम पे थोड़ा सा जीन्स टॉप कोट टाई क्या पहन लिया और रास्तों में इस तरह से पड़े रहते हैं कि लगता नहीं है कि वो बहनें हैं, वो इस भारतवर्ष की देवभूमि की बहनें हैं। तो आपके लिए भी ये संदेश है। हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो घास काटने वाली माँ जो अभी पहाड़ों में है वो भले ही कम पढ़ी लिखी हो लेकिन उसके अंदर नैतिकता रहती है। तो हमारा जो भाई कह रहा है उसमें आप गौर से फरमाइए। किसी ने कहा है कि बीच ग्रुप में बैठ के मुस्कुराना बड़ा आसान होता है और मंच में खड़ा करना, खड़े होके अपनी बात को कहना उससे भी बड़ा आसान होता है। तो खड़े होके बात कीजिए। सर हमारे युवा वर्ग में पूरा पोटेंशियल है कि हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। हमारे देश का युवा भारत एक ऐसा देश है मेरे हिसाब से जहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। सर मैंने परसों कॉपी में पीछे भी देखा था कि हमारे जो अमेरिका में छात्र हैं भारत के, 12% छात्र वहाँ साइंटिस्ट हैं और 33% छात्र जो भारत के वो वहाँ नासा में काम करते हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का कुछ समाज का वर्ग ऐसा बन चुका है, यहाँ लोगों ने कुछ ऐसी धारणाएं पैदा कर ली हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। लोग कर सकते हैं लेकिन आज वो नशे की ओर जा रहे हैं, नशा कर रहा है। कोई कहाँ पड़ा है, कोई कह रहा है दोस्त के साथ चलो बर्थडे पार्टी करते हैं। बर्थडे पार्टी में क्या करेंगे, ये नहीं कि एक बर्थडे है तो कुछ अच्छा काम करें, कुछ समाज के लिए करें या कुछ पेड़ लगाए, कुछ दान करें, डोनेट करें जिससे कुछ हो सके। लेकिन वो क्या कहते हैं, चलो आज चलने कहीं जाते हैं, थोड़ा बियर शेयर लाते हैं, पियेंगे पाएंगे और कुछ क्या करना है। घर आते हैं माँ देखती है, माँ तो दुखी है, माँ तो अपने बेटे का हमेशा साथ देगी देगी चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए? बस कुछ नहीं करना है, आप नशा मत करिए और नशा ना करें और आगे को बढ़े और अपने देश के लिए जितना कुछ कर सकते हैं करना चाहिए और अपने पेरेंट्स के लिए करिए, ज़्यादातर इसी में सबकी भलाई है। थैंक यू। क्या नाम बताया आपने अपना? करण भाई एक बात बताओ, आप इतने प्रखर वक्ता, इतने बढ़िया आपने बोला, लेकिन जब मैंने कहा कि खड़े हो जाइए, खड़े क्यों नहीं हुए? सर थोड़ा सा ऐसी पहले सोचा कि बता ना बोल पाऊँ। अगर ऐसा तो नहीं सोचना है, हम लोग ऐसे सोच के अपने आप को कमजोर बना देते हैं। तो करम भाई को हम अपनी टीम पहल का, इस कॉलेज का कैप्टन घोषित करते हैं। तो बिग हैंड फॉर द करम। थैंक यू।